जय श्री कृष्णा। आर्यवर्त की कहानियों में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में हजारों पाप होते हैं और मैं उनका राई राई का लेखा रखता हूँ, इसीलिए मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ राई की कथा। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके तीन बच्चे थे और एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती रहती थी। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसके संबंध करने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं तो विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही करूंगी। मैं प्रतिदिन गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें करती थी। एक बार संयोग वश से भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी वेश बदल कर उस गांव में आए और उस राई की बात सुनी, जिससे प्रेरित होकर वे दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारी बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। उसके पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उससे कर दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर ये कहकर चले गए कि उसे गाजे बाजे के साथ लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10 और 20 वर्ष गुजर गए, मृगर प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के केस सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए, वहाँ पंडे से पिंड दान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंड दान करवा कर राई के हाथ में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में रखा तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में पहार किया, जिसे देखकर भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत ही दौड़ते हुए मृत्यु लोक में राई के पास आ पहुंचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा कि मुझ में भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने उसका स्पर्श किया तो राई को दिव्य देह प्राप्त हो गई, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह एक कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें।